हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फुट 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड फ्लोट एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर विथ इट्स लोअर सरफेस हॉरिजेंटल एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेरेंस। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, द मास ऑफ द ब्लॉक इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा कुछ इंटरफेस है जिधर ये इसका इंटरफेस वाला पॉइंट है, ये इसका इंटरफेस वाला पॉइंट। इसके एक हाफ में वाटर है और एक हाफ में क्या है, एक ऑयल है जिसका डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इधर क्या हुआ है? तो इधर एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस वाले ब्लॉक में जो नीचे वाले पोर्शन ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो बिलो द इंटरफेस ये 4 सेंटीमीटर है और डेंसिटी ऑफ द ऑयल दे दिया गया है। तो इस ब्लॉक का डायमेंशन भी दे दिया गया कि 10 सेंटीमीटर ईच साइड। तो अगर इसकी फिगर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा। ये कुछ ब्लॉग है, तो इस ब्लॉक का 10 सेंटीमीटर ये जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इधर। इस फिगर को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसका एक पोर्शन जो ये हाफ है, ये नीचे में है, और जो दूसरी हाफ में तो इंटरफेरेंस की ऊपर है। तो इस पार्ट जो है और नीचे वाले पार्ट 4 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो दूसरी साइड है वो 10 10 होगा, और ये जो हाइट जो 10 है वो डिवाइड हो गया है 4 और 6 में। तो ये इसका फिगर है। तो अगर नीचे वाले में वाटर रहेगा या जो ऑयल है वो रहेगा, उसके लिए बात करेंगे। उसके पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट पहले तो ये है, जो जिसका जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो हमेशा नीचे रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि वाटर हेवी है तो नीचे रह जाएगा वाटर और ऊपर में रहेगा क्या, ऊपर में रहेगा ऑयल। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरी जो की कंसेप्ट हमको चाहिए वो क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है, ये है सॉरी, ये भी इनटू रो इनटू जी। तो भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट समर्ज इन द लिक्विड। जिस लिक्विड में जो जितना वॉल्यूम समर्ज, अगर वाटर की इधर बात करें तो वाटर में इतनी पार्ट, ये जो ब्लू वाले इस पोर्शन में, जो ब्लू वाले में जितना वॉल्यूम दिखा हुआ है वो समर्ज है। तो इधर हम इसी वाले वॉल्यूम को डालेंगे, ना कि पूरा क्यूब का वॉल्यूम डालेंगे। और जो रो है वो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब अगर वाटर की बॉयंसी बाहर करें तो वाटर का लिक्विड डालेंगे, तो सॉरी वाटर का डेंसिटी डालेंगे, और ऑयल का अगर फोर्स बाहर निकालेंगे कि ऑयल का फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना है, तो ऑयल का डेंसिटी डालेंगे। और जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी इसके अगर पहले उसका तो लिख लेते हैं कि बॉयंसी फोर्स किसकी वजह से कितना होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर कितना होगा, होगा भी। भी पहले कितना होगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो सरफेस एरिया तो 10 + 10 है, और हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है वाटर के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 10 इंटू 4, ये हो गया वी। रो क्या है वाटर का, 1, सब सीजीएस में लिखा हो रहा है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको जी से लिखते हैं। और फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू ऑयल वो कितना हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया तो सेम रहेगा 10 + 10, लेकिन जो हाइट है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर वाटर के लिए, लेकिन ऑयल में कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ऑयल में ये वाले पार्ट है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा तो 6 इंटू ऑयल का डेंसिटी कितना है, 0.6 इंटू जी। तो ये गया फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो अगर बस फ्री बॉडी डायग्राम अभी करेंगे, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये मान लीजिए ये कुछ ब्लॉक है, तो ब्लॉक के फोर्स ऑफ बॉयंसी हमेशा इसको ऊपर की तरफ लगता है। ये दूसरी एक की कंसेप्ट हमको याद रखना चाहिए कि फोर्स ऑफ बॉयंसी हमेशा उसका वेट की अपोजिट, यानी कि उसको ऊपर थ्रस्ट देगा। थ्रस्ट फोर्स है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी तो पहले एक वाटर की वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी, और ऑयल की वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की लगेगा।
और नीचे क्या लगेगा, वेट, उसका वेट लगेगा जो कि एम जी, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी। तो उसको अगर हम इधर लिख देंगे तो इसके अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से इसको रिक्वेट करेंगे तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू ऑयल इक्वल टू क्या है, वेट। दैट इंप्लाइज फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर कितना है, 10 + 10 इंटू 4 इंटू 1 इंटू जी इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू ऑयल को कितना, सॉरी एक नहीं प्लस, इधर प्लस ये है 10 + 10 इंटू 6 इंटू 0.6 इंटू जी इक्वल टू वेट कितना है, एम जी। तो जी सबसे कैंसिल कर देंगे तो अभी ये कितना रह जाएगा, 10 + 10 यानी कि 100 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 6 इंटू 0.6 इक्वल टू एम। तो ये कितना होगा, तो अगर 100 कॉमन ले आएंगे तो ये हो गया 4 प्लस 6 इंटू 0.6 3.6 इक्वल टू क्या है, ये एम। दैट इम्प्लाइज एम कितना होगा, ये 4 + 3.6 इक्वल टू 7.6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 760 ग्राम में था तो ये आ जाएगा ग्राम। तो जो मास होगा वो क्या आएगा, 760 ग्राम। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी 760 ग्राम इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।